नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर प्रयागराज से। प्रयागराज के अंतर्गत प्रयागराज मेला प्राधिकरण में कुछ लोग सुविधा शुल्क व सुविधा पर्ची में कर रहे हेराफेरी। मेला प्राधिकरण प्रयागराज में एक शहीद सैनिक की पत्नी को कई बार एक शौचालय के लिए दौड़ाते रहे। अधिकारी अपने में मस्त और मेले में सुविधा लेने के लिए जनता हो रही त्रस्त। मेला प्राधिकरण प्रयागराज को छोड़कर सारी सुविधा पर्ची उत्तर प्रदेश जल निगम गेस्ट हाउस में बनाया जा रहा था, जहां पर सारे अधिकारी चाय पीने व खाना खाने आते हैं। और ये सिस्टम किसके इशारे पर लगाया गया और सुविधा पर्ची बनाई गई थी, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। आपको बता दें, प्रयागराज की मेला प्राधिकरण में कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से जनता व बाबाओं को सुविधा शुल्क के नाम पर मोटी रकम लेकर अपना करते हैं काम। और जो भी व्यक्ति सुविधा शुल्क का पैसा नहीं देते, उनको मेला प्राधिकरण के अंतर्गत बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और अधिकारी मौके पर कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं अपने काम के लिए, और लोग ऑफिस बार बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तब मजबूर होकर दलालों को पैसे देकर अपना छोटा मोटा काम करवाते हैं। और जब भी मेला प्राधिकरण के अंदर कुछ कर्मचारी जो कहकर कि हम आपको जमीन अलॉटमेंट करा देंगे और हम आपको जो भी सुविधा लेनी होगी उपलब्ध करा देंगे, श्रद्धालुओं के द्वारा अच्छी रकम लेकर शाम को बंदर बांटकर मेला प्राधिकरण में कुछ चापलूसी करने वाले उनके पैसा लेकर शाम को मेला प्राधिकरण के आवास गृह में अनु श्रीवास्तव गाड़ी मालिक दारू पीने के बाद अपनी गाड़ी, जो कि मेला प्राधिकरण में SDM मेला संत कुमार श्रीवास्तव जी के साथ में लगी है। और यही सब बंदरबांट को देखते हुए मेला अधिकारी शेषमणि पांडे ने पूरी तरह से संत कुमार श्रीवास्तव के हाथ से पूरा चार्ज हटाया। सर, आज के मान मेले के विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा। आज वसंत पंचमी का महापर्व है। आज सभी देशवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं, भीड़ लगातार आती जा रही है। सुबह रात से भीड़ चल रही है। आज हमारे सीमो साहब ने भी सुबह सुबह परिवार साथ स्नान किया है। और सबको शुभकामनाओं साथ, मैं डॉक्टर राहुल सिंह हूँ, यहाँ पर डिप्टी CM हूँ, यहाँ पे हूँ और इस अरैल कपूरा में नोडल इंचार्ज हूँ। और हम लोग के लिए सर प्राथमिकता जितना प्रशासन उतना ही स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य कोविड तीसरी लहर चल रही है। सबको मालूम है कि पेशेंट ये इसमें पॉजिटिव बहुत तेज़ी से लोग हो रहे हैं, इसलिए हेल्प डेस्क से लेके स्क्रीनिंग से लेके मास्क सैनिटाइज़र हर चीज़ को हम लोग 24 घंटे बिना किसी समय देखे नहीं कि दोपहर है कि रात है कि दिन है क्या है, हर समय, क्योंकि हम लोग के लिए सबसे कि सबके जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य ही हम लोग के लिए प्राथमिकता है। सब स्वस्थ होके अपने घर जाएं, अच्छा सबसे स्नान रहे और ये कोविड का जो तीसरी लहर से ना प्रभावित हों, इसके लिए जाँच और टीमें घूम रही हैं चप्पे चप्पे पे। हम लोग यहाँ खड़े होकर फील्ड में थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हर जहाँ थर्मल स्क्रीनिंग अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, कृपया थर्मल स्क्रीनिंग जरूर कराएं। हम लोग पेशेंट लोग थर्मल स्क्रीनिंग मास्क के लिए सबको प्रमोट कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग के लिए प्रमोट कर रहे हैं। और अभी तक ये गंगा माँ की कृपा है कि सब कुछ व्यवस्थित है और सही चल रहा है। कितनी टीमें काम कर रही हैं सर आपके यहाँ पे? हम लोग के यहाँ पे सेक्टर्स बने हुए हैं, हर सेक्टर्स में अलग अलग गैंग हैं और हर गैंग में सफाई कर्मियों के लिए यही कहा गया है कि आप अगर आप सर्वे भी करेंगे तो 24 घंटे अपने पॉलीथीन कैरी करते जा रहे हैं कहीं उनको, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साफ सफाई को अगर हम लोग नहीं प्राथमिकता देंगे तो स्प्रेड का और किसी तरह के भी वायरस का उसमें होना ज़रूरी है। इसलिए हर सेक्टर्स पे अपने अपनी टीमें हैं, अपने अपने गैंग्स लगे हुए हैं और पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं। कि हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हमारे धर्मेंद्र जी हैं, इनने बहुत दिन रात काम किया, शुरू कर भी रहे हैं। और हमारे मैं अपने सारे स्वास्थ्य टीम को और अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे CMO साहब के संरक्षण में हम लोग उनके साथ, उनके जो हम लोग से उम्मीदें हैं, पूरी प्रयास की जा रही है कि किसी तरह का भी यहाँ पे उस तरह का अनुमोदन ना हो। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता और कोरोना प्रोटोकॉल के लिए? मैं सबको यही दूंगा कि अगर किसी को भी किसी तरह का भी जुखाम खांसी बुखार किसी तरह के कोई ऐसे लक्षण हैं, बुखार हरारत शरीर में दर्द पेट, ये जरूरी नहीं कि पतले दस्त इस तरह के हों, तो पूरे मेले में स्वास्थ्य के वो लगे हुए हैं, अस्पताल से हैं, डॉक्टर्स हैं, लोग टीमें टहल रही हैं, ज़रूर संपर्क करें, अपनी जांच कराएं और प्रायोरिटी प्राथमिकता देते हुए दवा का ज़रूर लें और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। थैंक यू।
बताया जाता है कि पाटुन पुल दो के बीच में शराब के नशे में चूर और सिगरेट पीने के बाद गंगा जी में पीकर सिगरेट फेंक दिया जाता है। विभागीय अधिकारियों के द्वारा जांच पड़ताल करते हुए ऐसे लोगों को तत्काल मौके से निकाला जाए, नहीं तो ये मेला प्राधिकरण को गलत साबित करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और इस प्रकरण की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। प्रयागराज संवाददाता देव कृष्ण द्विवेदी की रिपोर्ट।